अस्सलाम वालेकुम, लाहौर रियल इस्टेट से अदनान सदीकी देखिए +9233417738। आपको इस वीडियो से पहले भी आपसे हम लोग बात करते रहते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी फेज़ 6 की, हर ब्लॉक की दी और एनालिसिस की है हमने फेज़ 6 के, फेज़ 5 के साथ और फेज़ 8 के साथ। आज मैं आपको फेज़ 9 टाउन के बारे में कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि 9 टाउन में पहले रेट क्या थे और इस टाइम रेट क्या हैं और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और ये टाइम बाइंग का है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे फेज़ 6 के डी ब्लॉक में अगर हम 5 मरले का प्लॉट ले रहे हैं तो अभी भी 90 लाख से लेके करोड़ तक का 5 मरले का प्लॉट मिलता है। 10 मरले का यहाँ पे तकरीबन 1 करोड़ 85 लाख रुपए से लेके और तकरीबन हमें 1.95-1.95 का प्लॉट मिलता है 10 मरले का। और फेज़ 6 में 7 मरले का प्लॉट जो है यहाँ पे हमें मिलता है 1.35 करोड़ का, 1.40 करोड़ रुपए का। तो इसको हम अगर कंपेयर करें फेज़ 9 टाउन के साथ, 9 टाउन में इस टाइम बाइंग रेट है, यहाँ पे नॉन फाइलर के लिए गोल्डन चांस है कि वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है क्योंकि नॉन फाइलर जो है 50 लाख के अंदर अभी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो यहाँ पे डीसी रेट जो है वो फेज़ 9 में 45 लाख रुपए का 1 कनाल है और यहाँ पे 5 मरले का है 11.5 लाख रुपए डीसी रेट जिसके ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें फेज़ 9 में पोजेशन वाला प्लॉट तकरीबन 60 लाख रुपए से लेके, ये 60 लाख रुपए ये वो रेट है जो चला गया था आज से कुछ 6 माह पहले 66-67 तक का, ये इस टाइम आ गया 60 लाख पे। और जो 80-85 का रेट जा रहा था वो आ गया है 80 लाख रुपए पे और 80 वाला रेट आ गया है तकरीबन 75 और 74 तक का। ये 5 मरले का रेट है फेज़, ये इसका 8 मरले का प्लॉट जो है 9 टाउन का ये चला गया था करोड़ प्लस का, 1.5 करोड़ का ये डिमांड शुरू हो गई थी और वही 1.5 वाला प्लॉट जो है इस टाइम 95 में आ गया। अगर हम इसके 8 मरले के प्लॉट को देखते हैं जिसकी लोकेशन अच्छी है, बड़ी सड़क है, अब तो यहाँ पे हमें 8 मरले का प्लॉट मिलता है 90-95 लाख रुपए का और फेज़ 6 में हमें 7 मरले का प्लॉट मिलता है 1.45 करोड़ रुपए का। अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे अभी इन्वेस्टर्स के लिए गोल्डन चांस है इन्वेस्टमेंट करने का, एंड यूज़र के लिए, मैं पहले भी कहता हूँ कि एंड यूज़र के लिए भी यहाँ पर बड़ा गोल्डन चांस है क्योंकि जब हम यहाँ पे प्लॉट सस्ता लेंगे हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उतनी ही कम होगी। अगर हम वही 5 मरले का प्लॉट घर परचेज़ करेंगे यहाँ पे तो हमें 1.45 करोड़ रुपए का, 40 लाख रुपए का, 50 लाख रुपए का, हमें 1.50 करोड़ का भी प्लॉट वो घर मिलता है यहाँ पे 5 मरले का। अगर इसी को हम घर बनाएं यहाँ पे 5 मरले का प्लॉट ख़रीद के 9 टाउन में हम अपना घर बनाते हैं तो आप यहाँ पे 65 लाख रुपए का प्लॉट लें, 40 लाख रुपए इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है, 1.5 करोड़ रुपए में आपका 5 मरले का घर यहाँ पे DHA में फेज़ 9 टाउन में रेडी हो जाता है। आपके इर्द गिर्द का जितना जितने घर हैं वो भी सारे नए हैं, डेवलपमेंट भी बिल्कुल नई है। तो यहाँ पे 5 मरले का घर आपको 1.5 करोड़ में ये कॉस्ट करता है। ये मैं वो उस घर का मैं बता रहा हूँ जो 65 लाख रुपये का आपको प्लॉट मिलता है। तो यहाँ पे आप इसको बड़ा इजी जो है आप यहाँ पे 5 मरला घर बना सकते हैं। यहाँ पे घर बना के जो इस टाइम बिल्डर सेल कर रहे हैं वो 1.45-1.55 करोड़ रुपए डिमांड कर रहे हैं, तो ये तो 5 मरले की बात की है। इसी तरह अगर हम 8 मरला और 10 मरले की बात करें, 10 मरले का यहाँ पे प्लॉट हमें मिलता है इस टाइम 1.30 करोड़ रुपये का, 1.30 करोड़ का और 1.35 करोड़ रुपये का ये ए ब्लॉक में हमें प्लॉट मिलता है। तो इसी तरह यहाँ पे अगर यही प्लॉट हमारा जैसे मेन बुलेवार्ड 120 फीट रोड पे 10 मरले का प्लॉट है यहाँ पे, अगर यही प्लॉट हमारा फेज़ 6 में हो जैसे ए ब्लॉक है, वहाँ पे ए ब्लॉक में 10 मरले का प्लॉट 2.5 करोड़ रुपए का, अगर ये हम डिफरेंस देखें तो एक बड़ा डिफरेंस आता है। ये अगर हम 2 साल के लिए या 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करके आप रख लें तो इसमें आपको अच्छा गेन मिलेगा। और ये टाइम जो चल रहा है ये बाइंग टाइम है क्योंकि अभी सेलिंग प्रेशर काफ़ी है तो यहाँ पे बाइंग बनती है यहाँ पे। और यहाँ पे बाइंग करके अगर आप 1-2 साल के लिए आप होल्ड करते हैं प्रॉपर्टी को 9 टाउन में तो आपको इसका अच्छा गेन मिलेगा।
तो इसी तरह यहाँ पे ए बी सी डी ये चार ब्लॉक हैं। दूसरा इसका ये एक ई ब्लॉक आया है जो सबको पता है, अभी बैलेट हुआ है। ई ब्लॉक में अभी हमें नॉन पोजेशन एरिया का प्लॉट ऑल ड्यूज पेड के साथ हमें यहाँ पे मिल जाता है, तकरीबन कोई 55-57 तक का ऑल ड्यूज के पेड के साथ मिल जाता है और लोकेशन भी मुनासिब होती है। ये ई ब्लॉक जो है ये बिल्कुल बेदिया रोड के ऊपर है और फेज़ 6 के डी ब्लॉक के बिल्कुल साथ है। अभी अगर हम इसे 2 साल के बाद देखते हैं और 2 साल के बाद इसकी प्राइस देखते हैं, तो 2 साल के बाद यहाँ पे तकरीबन इसकी प्राइस सी ब्लॉक और ए ब्लॉक के पास जाएगी, क्योंकि सारा कमर्शियल इसका यहीं पे ई ब्लॉक में और बेदिया रोड पे है। इसकी बैक पे ये पेस वुडलैंड है, अस्करी 11 है, बेदिया रोड है और मेन बुलेवार्ड के ऊपर ये ई ब्लॉक आता है। तो ये नाइन टाउन जो है इन्वेस्टर, बिल्डर और एंड यूज़र के लिए बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट के लिए भी है। और यहाँ पे आप घर बना के बेचें या आप अपने लिए घर बनाएं तब भी आपको मुनासिब मिल जाता है डीएचए में रहने के लिए। अगर डीएचए, अगर हम यहाँ पे 5 मरले का किसी और फेज़ में जाते हैं, फेज़ 5 में चले जाएँ, फेज 6 में चले जाएँ या और किसी फेज़ में हम चले जाएँ, तो हमें इस टाइम 1.5-2 से कम का प्लॉट घर नहीं मिलता। तो यहाँ पे बड़ा मुनासिब हमें घर भी हमारा बन जाता है। तो ये एतमाद के साथ आप रब्ता करें लाहौर रियल इस्टेट से अदनान सदीकी, +9233417738। थैंक यू।